खाने में क्या खाना है? चिकन। चिकन खाना है? ठीक है दादी, चिकन लेके आओ। दादी को चिकन खाते, दादी बाजार से लेके आएंगे चिकन। पहली बार कोई चेक बुक पे मेरा नाम आया है, शेख सबान नदीम अहमद। ये एच को इग्नोर करना प्लीज, वो नाम मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे गलत है। तो पहली बार, ओ माय गॉड, मेरे नाम का चेक बुक देखो। शेख सबा, शेख सबा, शेख सबा, आई एम सो हैप्पी, दिस इज माय चेक बुक। अल्लाह करे ये चेक बुक बांटने के लिए मेरे पास पैसे भी आ जाए बहुत सारे। सॉरी, चेक बांटने के लिए। आमीन आमीन। सो हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब? जैसे कि आपने देखा, नुमान ने अभी क्या फरमाई थी अपनी दादी से खाने के लिए कि चिकन लेके आइए, तो उसकी दादी गए हैं चिकन लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? मेरे चैनल सबान व्लॉग्स में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज ये वीडियो होने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग वीडियो। जो मैंने ऑनलाइन से शॉपिंग किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और ये कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारी रेगुलर यूज़ की चीज़ है। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए, ज़्यादा कुछ बड़ाई मारने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये जो मैंने ख़रीदा है बहुत ही चिपेस्ट प्राइस में ख़रीदा है, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए, तो लेट्स गो। तो ये है मेरी वो चीज़, इसको मैंने ओपन कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। तो देखिए, ये है वो चम्मच, स्पून, लकड़ी का चम्मच है, हमारे रोज़ाना रेगुलर यूज़ में आते हैं ये चम्मच। देखिए ये पूरे 7 चम्मच है। देखिए ये एक, जो हम लोग तवा में, फ्राई पैन में यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा, जो कुछ दाल वगैरह या ग्रेवी वगैरह के लिए कुछ यूज़ हो सकती है। और ये भी तवे वगैरह का ही है कुछ यूज़। और ये कुछ भजिया वगैरह तल लिए, कुछ भी ऑयली चीज़ ऐसा छानने के लिए। ये भी चावल वगैरह के लिए, मतलब ऑल ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ के लिए ही है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये पूरे 7 चम्मच, स्पून, वुडन स्पून जो बोलेंगे, जो भी अपनी अपनी अलग अलग भाषा में कहते हैं, ये है। मैंने ख़रीदा है इसको, कितने में ख़रीदा होगा बताओ बताओ बताओ, चलो ज़्यादा कुछ सस्पेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ख़रीदा है ओनली 94 रुपीज़ में। मैंने ये 7 चम्मच ख़रीदा है। और ये मैंने ख़रीदी हूँ, कहाँ से ख़रीदी हूँ मैंने, हाँ ये मैंने ख़रीदी हूँ ग्लो रोट, जो अमेज़ोन का ऐप है, नया आया है या पुराना होगा पता नहीं। मेरे तो नया देख के मैंने इसको इंस्टॉल मारा, मुझे देखा दिखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगा ली। तो इसको मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाती हूँ, चलो। तो देखो ये मेरे स्पून्स, मुझे ना ऐसे लकड़ी के चम्मच बहुत अच्छे लगते। वो डोसा बनाने के लिए ना मेरे पास चम्मच है ना टूट गया था, तो मैं ना ऐसी देख रही थी। और ये चम्मच हम लोग बाज़ार में जाएंगे ना, एक चम्मच 20 रुपये का मिलता है, जो जो भी लोकल मार्केट होता है, जो नीचे ठेले वाले लगाते हैं या जो भी गाड़ी पे या किधर भी लगाते हैं, एक चम्मच 20 रुपये का देते। और ये अच्छी क्वालिटी का चम्मच है, देखिए ऐसा नहीं कि नल्ला चम्मच है, कितना मोटा है ये, दिख रहा है, देखो अच्छा मोटा चम्मच है। और ये भी अच्छा मोटा है, ये मैं दुकान नहीं लगाई हूँ बेटा, देखो। तो ये चम्मच बहुत अच्छा है, आप लोग भी परचेस कर सकते हो, मैं बेच नहीं रही हूँ। हाँ बेटा अंकल, ये मैंने 94 रुपीज का खरीदी हूँ, तो मैं भी टैक्स लगा के आपको दे दूंगी, चलो 100 रुपये में खरीदो। देखो ये चम्मच भी अच्छा है, नुमान रखो बेटू। तो देखो ये रहे मेरे चम्मच और ये रही मेरी शॉपिंग, और ये पूरे 94 रुपीज के है, मुझे बहुत अच्छे में मिल गए ये चम्मच।
तो ये कैसा लगा चम्मच बताना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छे लगे ये चम्मच। तो कैसे लगे ये चम्मच, अच्छे है ना? इसकी क्वालिटी अच्छी है कि ऐसे नहीं है कि मतलब मिल गया, क्वालिटी भी अच्छी, मोटा चम्मच एकदम चलेगा, अच्छा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और ये फ्राई डोसा वगैरह बनाने के लिए मुझे एक्चुअली चाहिए था एक ही चम्मच, जो डोसा वगैरह बनाते हैं मेरे घर में, डोसा सब नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाते रहते हैं, तो ये चम्मच की वजह से ना मैं नहीं बना रही थी, तो ऐसे चेक करने की उसमें कि किधर अच्छा सा मिल जाए, तो ये पूरा का पूरा सेट मिल गया 7 चम्मच का 94 रुपीज़ में। और ये मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट ऑर्डर की थी, तो उसकी वजह से शायद कुछ और, हाँ बोलिए ना बेटा, तो और कुछ ये मैं बेच नहीं रही हूँ। अंकल साहब देखिए मेरा बेटा कैसा बोलता है। तो है ना, ये शायद फर्स्ट ऑर्डर था, इसीलिए शायद मुझे और सब टैक्स और जो फ्री का रहता है ना, टैक्स फ्री क्या क्या रहता है, उसकी वजह से शायद मिल गया है। तो फिर भी कुछ ख़राब नहीं है, 94 में या 100 रुपीज़ में भी हो गया। जी बोलिए, ये ले लीजिए आपके लिए फ्री है, लेके जाइए। तो कैसे लगे चम्मच बताना, और बस मेरा वीडियो में बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलो मिलते हैं, नुमान मेरा बाय बाय बोल रहा था, नुमान का काम तो मैंने कर दी, बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।